नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कांग्रेस के सीनियर नेता संजय निरुपम ने पीएम मोदी पर फिर एक बार निशाना साधा है। निरुपम ने कहा है कि जिस तरह से गुजरात में उत्तर भारतीयों और बिहारियों को मार के भगाया जा रहा है, तो पीएम मोदी याद रखें, उन्हें भी वाराणसी जाना है। दरअसल साबरकांठा जिले में 14 माह की बच्ची से रेप के बाद गैर गुजरातियों पर हमले हो रहे हैं। इस मामले में गुजरात के कई हिस्सों में 342 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 28 सितंबर को बच्ची के साथ हुए इस घिनौनी घटना के बाद सोशल मीडिया पर गैर गुजरातियों को निशाना बनाकर घृणा का संदेश फैलाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने बताया कि हिंसा से गुजरात के 6 जिले प्रभावित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महसाणा और साबरकांठा प्रभावित है। इन जिलों में 42 मामले दर्ज हैं और 342 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जाँच के दौरान आरोपियों के नाम सामने आने के बाद और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में राज्य रिजर्व पुलिस की 17 कंपनियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 28 सितंबर को 14 माह की बच्ची से रेप करने वाला व्यक्ति मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।